आज मेरे पास एक स्विफ्ट आई है, डीजल गाड़ी है, तो उसमें प्रॉब्लम है कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो लाउंड लेके स्टार्ट होती है, स्टार्ट तो हो रही है लेकिन राउंड है ना लंबा लेके स्टार्ट हो रही है। तो मैंने तो डीजल फिल्टर भी चेक कर लिया, फ्यूज चेक कर लिया, वायरिंग है, वायरिंग वायरिंग सब चेक कर ली। तो पहले हम इसके एक बार स्कैन करके चेक कर लेते हैं। ये इशुलिया का टेप स्कैन है, इसे हम एक बार स्कैन करके देखते हैं कि इसमें क्या टर्बो कोड आया है। और कस्टमर का कहना है कि ये राउंड लेके स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। और मीटर के अंदर जो चेक लाइट आती है वो भी शो कर रही है इसमें। तो पहले एक बार स्कैन करके एक बार देखेंगे कि इसमें क्या कोड आ रहा है। इसमें चेक किया तो फैन का आ रहा है और एसी क्लच का, एग्जॉस्ट गैस का आ रहा है, ओटू सेंसर, एयर मास का और ग्लो प्लग का आ रहा है। तो एक बार क्लियर करेंगे। तो एक बार हम इसे एक लाइट डाटा चेक करते हैं। इसका फ्यूल प्रेशर चेक करेंगे, फ्यूल प्रेशर तो सही बन रहा है इसका, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो इसमें जो प्रॉब्लम है गाड़ी में वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। तो इसका हम मैंने सब कुछ चेक कर लिया था, रेल प्रेशर सब कुछ देखा। तो हम इसका एक बार जो DRV है ना वो DRV बदल के देखते हैं। दूसरा जो DRV लगा हुआ है जो प्रेशर देता है ये एक बार इसको चेक करेंगे हम। तो मेरे पास में एक दूसरा जो DRV है ये वाला, तो मैं ये दूसरा DRV लगा के चेक करता हूँ एक बार खोल सुनो खोल। ये DRV लगा हुआ है, लाइट लाना। और गाड़ी स्टार्ट होती है तो राउंड ज़्यादा लेके स्टार्ट होती है ना, कभी कभी तो ज़्यादा राउंड लेते भी स्टार्ट नहीं होती है। इसका डीजल फिल्टर भी चेंज करवा दिया था कस्टमर ने, और इसका जो इंजेक्टर है वो भी ओके, वो भी बैक नहीं मार रहा। तो इसका ये जो DRV है, DRV हम दूसरा लगा के चेक करेंगे। क्योंकि इसके अंदर में तो फॉल्ट वॉल्ट कुछ भी नहीं आ रहा, EGR का आ रहा है, फैन का आ रहा है और एयरमास सेंसर का आ रहा है, वो एयरमास सेंसर का कपलर बाहर है इसलिए वो आ रहा है। तो ये इसका जो DRV है पुराना वाला, तो मैंने ये बाहर निकाल दिया है। और इसका जो मैंने ये दूसरा DRV है मेरे पास में, ये एक बार मैं लगा के चेक कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। इसके टंकी के अंदर जो मोटर है वो भी ओके है, उसका भी प्रेशर सही आ रहा है। बस गाड़ी में एक खाली स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है, जब स्टार्ट करते हैं तो राउंड लेके स्टार्ट हो रहा है, ज़्यादा राउंड लेके स्टार्ट हो रहा है, भाई यही प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। तो इसका एक बार DRV नाम बदल के चेंज करके दूसरा देख लेते हैं।
जो DRA लगा हुआ है ये कॉमन रेल को प्रेशर देता है, नॉन इंजेक्टर को प्रेशर देता है। अगर जो स्टार्टिंग में प्रेशर लो होगा तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी, जब ज़्यादा राउंड लेने के बाद में फिर गाड़ी वो स्टार्ट हो जाता है, प्रेशर बन जाता है लॉक बनने का। अब मैंने इसमें DRV दूसरा लगा दिया है, स्टार्ट कर लगा सेल्फ लगा चाबी ऑन कर। तो एक बार चाबी ऑन कर, चाबी ऑन कर लेने से क्या होगा एयर निकल जाएगा इसमें और डीजल भी आ जाएगा कॉमन ऑयल पे। स्टार्ट कर, बंद कर, स्टार्ट कर। अब जो स्टार्टिंग है ना अब से ही हो रही है, तो पहले क्या स्टार्टिंग में बंद कर, पहले स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थी कि गाड़ी ज़्यादा राउंड लेके स्टार्ट होती थी, अब है ना ज़्यादा नहीं कम राउंड लेके स्टार्ट हो रही है। लगा सेल्फ लगा, तो इसमें जो प्रॉब्लम था वो क्लियर नहीं था। बंद कर, तो इसमें जो प्रॉब्लम निकला वो DRV का था, तो मैंने इसका जो DRV है ना वो रिप्लेस किया दूसरा, तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी। लगा सर लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।